हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज हम ज्योग्राफी क्लास में हमारा टॉपिक है भारत के जलप्रपात। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात। यह भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरल। कहाँ पर विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का आप नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप नोट्स बना लेंगे तो आपको बार बार इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा जलप्रपात के लिए। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और नोट्स जरूर बना लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है हमारा। मैं आपको बता दूं, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास देखना चाहते हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, आपको वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और अन्य भी क्लासेस मिल जाएंगी। या तो मैं लिंक आपको दे दूंगा केमिस्ट्री क्लास का, तो आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है, सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात या इंदिरा गांधी जलप्रपात। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जलप्रपात। यह जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम है, ठीक है। एक मिनट आप रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हमारा, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमने पढ़ लिया, क्या कह रहा है, जोग या गोरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो हमने देखा महात्मा गांधी जलप्रपात यह इसका नया नाम हो जाएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये क्वेश्चन कह रहा है, सरावती, कावेरी, नर्मदा या चंबल, किस नदी पर स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच क्या कह रहा है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, तापी, इंद्रावती या चंबल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सबके क्लासेस यदि आप देखना चाहते हैं तो एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिए प्लेलिस्ट को, वहाँ पे ये सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है हमारा, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तापी, सरावती, नर्मदा या इंद्रावती। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात स्थित है, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर पांचवा देखा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये भी आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये भी आपका कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका नर्मदा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहा है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, ठीक है। किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। यदि लग रहा है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जहाँ भी आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, यदि लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कावेरी, ताम्रपड़ी, सरावती या गोकक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर नौ क्या कह रहा है, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है किस नदी पर, स्वर्णरेखा, कावेरी, इंद्रावती या नर्मदा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। इस चैनल पर शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड किए जाते हैं जीके जीएस के, तो उसको भी आप जरूर देखा करिए, लाइक शेयर कर दिया करिए और बताया करिए कि आपको वो वीडियो कैसा लगता है।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा, इसको हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची वन में जलप्रपात दिया हुआ है, जोग जलप्रपात दिया है, शिव समुद्रम जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और गोकक जलप्रपात। इन सभी जलप्रपातों को अभी हमने पीछे देख लिया है कौन कौन सी नदी पर स्थित है, तो अब आपको इसका आंसर बताने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो वो आपका हो जाएगा सरावती नदी पर, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर ए का हो गया वन। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात ये भी हमने देखा था कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा कहाँ पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा और कावेरी नदी पर। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर और गोकक जलप्रपात गोकक पर स्थित है। ठीक है, एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो कुछ, तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। सूची वन में जलप्रपात दिया हुआ है, जोग जलप्रपात ये आपका हो जाएगा सरावती नदी पर, यानी पहला का वन हो गया। दूसरा कह रहा है शिव समुद्रम जलप्रपात ये हमें हमने देखा था कावेरी नदी पर स्थित है, तो बी का हो जाएगा दो। ठीक है, तीसरा कह रहा है धुआंधार जलप्रपात यानी सी ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित है, तो सी का हो जाएगा थर्ड। और गोकक जलप्रपात अभी हमने बताया था कहाँ पर, ये गोकक नदी पर स्थित है। तब हम यहाँ पे हम मिला लेते हैं, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री, डी का फोर, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो जोग जलप्रपात है वो सरावती नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर और गोकक जलप्रपात ये आपका गोकक नदी पर स्थित है। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किसके पास है, किस जगह के पास है, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर या बोधगया। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है, सही आंसर हो जाएगा जोग प्रपात। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में गलत हो गया, तो गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है, बेलगांव, धारवाड़, रायचूर या बीदर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कौन सा, बेलगांव में स्थित है। किस जिले में स्थित है गोकक जलप्रपात, तो ये हो जाएगा बेलगांव में। किस नदी पर स्थित है, तो गोकक नदी पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित है, कावेरी, कृष्णा, जोग प्रपात, श्रृंगेरी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोग प्रपात से संबंधित है। राजा रानी रोरर और रॉकेट जोग प्रपात से संबंधित है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, नवादा, रोहतास, कटिहार या भागलपुर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवादा जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है। बिहार के किस जिले में स्थित है, तो नवादा जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, देहरादून, मसूरी या पंतनगर, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है श्रीनगर। ठीक है, इसमें आपको सही आंसर बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा देहरादून में सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर, देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है, जोग, येन्ना, धुआंधार या पायकारा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायकारा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, शिव समुद्रम प्रपात या कावेरी, धुआंधार प्रपात, नर्मदा, सहस्त्रधारा जलप्रपात, बाल्दी, गरसोप्पा जलप्रपात, कावेरी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरसोप्पा प्रपात यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जोग, कर्नाटक,
पापनासम हिमाचल प्रदेश, धुआंधार मध्य प्रदेश, हुंद्रू झारखंड। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सुमेलित नहीं है, पापनासम हिमाचल प्रदेश। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ पूछना हुआ अगर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा, ठीक है। यदि आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, जीके की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप को भी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।